नमस्ते, मैं भजन गायिका और कथावाचिका मंदाकिनी मिश्रा। तबले पे मेरे साथ संगत कर रहे हैं मेरे बड़े भैया रामध्यान भैया। अभी हम लोग एक बहुत प्यारा श्री राम जी का भजन लेके उपस्थित हुए हैं, और वो भजन उस समय का है जब प्रभु को देख के जनकपुर की नारियां जो थीं सब मोहित हो चुकी थीं, उनके सुघराई को देख के सब मोहित हो गए थे। उसी प्रसंग पे ये गीत है कि जब प्रभु श्री राम पुष्प वाटिका में जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, और इधर से गिरजा पूजन के लिए मैया सिया अपनी सहेलियों के साथ जाती हैं। माता सीता भी एक सहेली को भेजती हैं कि गौरी पूजन के लिए फूल की आवश्यकता है, जाओ तनिक तुम भी तोड़ के लेती आओ। इधर से माता की एक सहेली फूल तोड़ने जाती हैं बाग में, और वहीं से पौधे की ओट से प्रभु के श्री राम के एक झलक देखती है वो, और वहीं ठगी की ठगी रह जाती है, खड़ी रह जाती है प्रभु के सुघराई को देख के कि अरे ये इतना सुंदर कौन आ गया। और वहीं से मन ही मन भगवान के छवि को निहारती हुई, उनके रूप और सौंदर्य पर मोहित होते हुए मन ही मन विचार करती है। देखिए, आमतौर पे तो स्त्रियों का स्वभाव ही होता है कि अगर वो कुछ वस्तु पसंद करे ना, कोई वस्तु अगर उसे पसंद आ जाए तो पट से अपने लिए मांगती हैं। ये हम लोग देखें भी तो द्वापर युग में जब गोपी लोग कान्हा से प्रेम कर बैठी और कान्हा सबको प्रिय लगने लगे, तब गिरजा पूजन के समय ही सभी ने गौरी मैया से एक ही प्रार्थना की कि हे गौरी मैया, सबके मन की ये लालसा थी कि ये कान्हा जो है ना मेरे पति बने, ये सबकी लालसा थी। लेकिन देखिए कितनी श्रेष्ठ थी हमारी जनकपुर की नारियां, जैसे ही प्रभु के सुघराई को उसने देखा, तुरंत मन में ये विचार आए कि ये जो वर है ना, ये जो राजकुमार हैं, ये सिया के योग्य हैं, और हे प्रभु उन्हीं को ये वर दे दीजिए। आइए, बावरी सखी प्रभु के सुघराई को देखकर माता सीता से जाकर क्या कहती हैं, कैसे उनके रूप का सौंदर्य का वर्णन करती हैं, एक भजन के माध्यम से हम लोग सुने कि कैसे उस सखी जाके माता से क्या कहती हैं। अरे हम पे चलाए गयो टोना, अरे हम पे चलाए गयो टोना, सुघर बर सामरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना, सुघर वर सामरो सलोना, सामरो सलोना सखी सामरो सलोना, सामरो सलोना सखी सामरो सलोना, हम पे चलाए सुघर वर सामरु सलोना। सखी बताती है बावरी सखी माता से, गई रही रही देख
छूटो ना सुघर वर सामरो सलो ना बावरी सखी कह रही है कि अरे सिया, उनके देखने का अंदाज ऐसा है कि जो देखेगा वह ठगा का ठगा रह जाएगा। जादू भरी चितवन है उनकी, जादू भरी राम जी को देख के केवल ईश्वर से एक ही प्रार्थना मैं करके आई हूं। सखी माता को बताती है, तन मन की मैं तो सुध बिसराई, तन मन की मैं तो सुध बिसराई, देखत ही घर वर सामरो सलो।